लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या हो गया दीदी? तुम्हें हमने बस अभी सत्तू को मैसेज किया, सब ठीक है ना? क्या हुआ? अब हम जो कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। आज हम सुबह तुम्हारी ससुराल गए थे, जब हमने तुम्हारी सास से कहा आरती नौकरी करना चाहती है शादी के बाद, उन्होंने साफ मना कर दिया कि मिश्रा खानदान की बहुएं नौकरी नहीं करती। वो ऐसा कैसे कह सकती हैं दीदी? सत्तू ने हमसे खुद कहा है। हमने कहा कि तुम्हारी और सत्तू की बात हुई है। पता उन्होंने क्या कहा? कि सत्तू तो बच्चा, उसके अंडरवियर वो खरीदती है। इस बात का मतलब समझती हो? ये उन्होंने हमें नहीं कहा, ये बात उन्होंने तुमको कहलवाई है। ये तुम गांठ बांध लो कि तुम उस घर में रह के नौकरी नहीं कर पाओगी, पीसीएस सीसीएस भूल जाओ। सत्तू ने हमसे क्यों कहा? अरे यार, सत्तू के कहने से क्या होता है आरती? वो अपनी अम्मा के सामने दो शब्द नहीं बोल पाएगा। अब तुम ये डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है। दीदी, दीदी हम हाउसवाइफ नहीं बन सकते। हम सत्तू से शादी जरूर करना चाहते हैं, लेकिन हमने उनको पहली मीटिंग में ही कह दिया था कि हमें नौकरी करनी है और वो मान गए थे। हम हाउसवाइफ नहीं बन सकते। हम सत्तू से एक बार बात करते हैं। अरे यार, तुम क्या तोते की तरह सत्तू सत्तू रख रही हो? अरे होने वाले पति है वो, एक क्लर्क है। जब अफसर बन जाओगी ना सत्तू जैसे, 25 क्लर्क काम करेंगे तुम्हारे नीचे। हम ये नहीं कह रहे हो बुरा लड़का है, वो बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन वो चाह के भी ये बात नहीं समझ पाएगा आरती। क्या कर सकते हैं? अरे क्या कर सकते का क्या मतलब है? हमें देखो, सास ससुर पति बच्चे, तीन टाइम का खाना, जिसकी किसी को कोई कदर नहीं होती है, और वहीं दूसरी तरफ मान सम्मान, इंडिपेंडेंस और अपनी खुद की कमाई जिंदगी। आरती सोचो, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हें बुला रहा है। आरती सोचो, ये नतीजा तुम्हारा एग्जाम का आज ही क्यों आया? कल आ सकता था ना, जब तुम्हारी शादी हो जाती है। तुम कुछ नहीं कर पाती, आज कर सकती हो। भाग जाओ, भाग जाओ। हम जीजा जी को फोन कर देंगे, वो सब संभाल लेंगे। तुम उनके साथ बनारस घर चली जाना। जी तुम्हारे साथ है आरती, तुम यहाँ से भाग जाओ, कोई नहीं सुनेगा यहाँ। भाग जाओ मुन्ना, तुम बस एक बार ऑफिसर बन जाओ, पापा सत्तू सब मान जाएंगे। आरती बहुत डर। चाहती हूँ बेटा? पापा, सत्तू। वो हम संभाल लेंगे। ऑफिसर बनना चाहती हो? तो फिर भाग जाओ, और कोई रास्ता नहीं है बेटा। ये समाज ऐसे ही है, लड़कों को सर माथे पर उठाकर रखता है, लेकिन लड़कियों की कोई इज्जत नहीं करता, और ना ही उनको उनकी मर्जी की जिंदगी देना चाहता है। इसलिए जब भी किसी बेटी को मौका मिले सर अपना ऊंचा रखकर अपनी मर्जी की जिंदगी जीने का, उसे सारे आग के दरिया पार करके निकल जाना चाहिए। तो भाग जा बेटा, भाग जा, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो निकलो बाहर।
बारह दरवाजे पे खड़ी, हमें भी नीचे जाना है, किसी को पता ना चल जाए, कोई आना जाए, चलो निकलो। हो पाएगा दीदी, पापा मार डालेंगे हमें, हम नहीं कर पाएंगे। आरती, मामा जी सबको संभाल लेंगे, उन्होंने कहा है ना। तुम बस एक बात याद रखना कि मामा जी कहेंगे कि तुम दहेज की बात सुनकर भाग गई। चलो दीदी, इसमें सत्तू की क्या गलती है, बहुत प्यार करते हो हम। प्यार दोबारा मिल जाएगा आरती, पीसीएस बनने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। चलो एक बार बात कर लेते, एक बार। नहीं नहीं आरती, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, और तब तक बात मत करना जब तक हम ना कहें। अगर उन लोगों को तुम्हारे भागने की वजह पता चल गई, सारा इल्जाम तुम्हारे मत्थे मर देंगे। चलो आओ जल्दी, आओ जल्दी, जल्दी। आभा, वो बारात आ रही है। थाली कहाँ है लड्डू की, बताओ। माँ, जीजा जी पीछे दरवाजे पे वेट कर रहे हैं, जाओ तुम। चलो चलो, गुड लक, जाओ जाओ। मुबारक हो समी जी, आपको भी। नहीं।